हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 197 रनों का टारगेट दिया स्टोइनिस की आईपीएल में तीसरी 50। दोस्तों, आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं। आईपीएल के 13वें सीजन का 19वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दुबई में खेला जा रहा है। टॉस हार कर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली ने बैंगलोर को 197 रनों का टारगेट दिया। दिल्ली के लिए मार्क स्टोइनिस ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए। ये आईपीएल में उनकी तीसरी 50 है। इसके अलावा ऋषभ पंत ने भी 37 रनों की पारी खेली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 89 रनों की पार्टनरशिप की। वहीं बैंगलोर के मोहम्मद सिराज ने 2 जबकि इसरू उडाना और मोइन अली को एक एक विकेट मिला। दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े और शॉ ने 23 बॉल पर 42 रन बनाए। उन्हें मोहम्मद सिराज ने आउट किया। इसके बाद शिखर धवन को इसरू उडाना ने मोइन अली के हाथों कैच कराया। कप्तान श्रेयस अय्यर 11 रन बनाकर आउट हुए, उन्हें मोइन अली ने आउट किया। देवदत्त पडिक्कल ने बाउंड्री पर उनका शानदार कैच पकड़ा।